देखिए दोस्तों, अभी जब मेरे गुड़हल का प्लांट देख रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलीबग का अटैक हो चुका है। और देखिए, मिलीबग का किसी भी प्लांट पर अगर अटैक होता है तो तुरंत ही अगर हम लोग इसका इलाज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे गार्डन में जितने भी प्लांट हैं सभी प्लांट पर मिलीबग का अटैक हो जाता है। और देखिए, जो मिलीबग का अटैक है खास करके हमारे गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उस पर दोस्तों सबसे पहले होता है। और देखिए, किसी भी प्लांट पर अगर मिलीबग का अटैक हो जाता है तो नए जो पत्ते आते हैं वो पत्तों पे दोस्तों इसका अटैक होता है, और या फिर जो नई कलियाँ आती है वो कलियों पे अटैक होती है। देखिए, अगर मिलीबग अटैक हो जाता है वो तुरंत हम लोग इलाज नहीं करते हैं तो जो भी पत्ते आते हैं वो दोस्तों सिकुड़ जाते हैं, यानी उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती है। और इसी के साथ साथ अगर कलियाँ पर इसका अटैक हो जाता है तो एक एक करके जितनी भी कलियाँ हैं फूल बनने से पहले दोस्तों मुरझा के गिर जाती है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर किसी भी प्लांट पे अगर किसी बीमारी का अटैक है तो सबसे पहले आपको किसी भी ऑर्गेनिक या रासायनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारे प्लांट है उसके ऊपर जो भी बीमारी होती है वो हमें तुरंत आँख से दिखाई दे देती है, पर देखिए हमारे गार्डन में जो भी प्लांट गमले में लगे हुए हैं उसके दोस्तों रूट्स पर अगर किसी भी बीमारी का अटैक होता है तो हमें आँख से नहीं दिखाई देता है। और जब हमारा प्लांट धीरे धीरे दोस्तों वो मुरझा जाने लगता है उसी टाइम हमें नज़र आता है कि हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो चुका है। और देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले और सबसे डेंजर जो भी बीमारी है वो है फंगस का अटैक। तो देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, सिर्फ दोस्तों आप ये सोचेंगे कि हम लोग हर 15-20 दिन में अच्छा से अच्छा फर्टिलाइजर देंगे और हमारे जो प्लांट है उसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी या उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावरिंग होगी, ये दोस्तों नहीं है। आपको जिस तरह से आपको हर 15-20 दिन में फर्टिलाइजर देना है उसी तरह से आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए आपको पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए, पेस्टिसाइड या फंगिसाइड का अगर बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे आपको दोस्तों प्रोडक्ट अवेलेबल है, पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं यानी कुछ ऐसे दोस्तों चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल करके हम घर पे ही बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड और फंगिसाइड बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे घर पर ही मिलने वाली दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं आपको बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड और फंगिसाइड बना के दिखाने वाला हूँ। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है किसी प्लांट पे कभी भी किसी बीमारी का अटैक नहीं होगा। और गमले की मिट्टी में हर 15-20 दिन में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो गमले की मिट्टी में जो भी बीमारी है वो तो खत्म हो ही जाएगी, पैसे के साथ साथ दोस्तों जो गमले की मिट्टी है वो भी हेल्दी बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसे हर तरह से बीमारी के बचाने के लिए जो हम पेस्टिसाइड प्लस फंगिसाइड जो बनाने वाले हैं इसके लिए सबसे पहले आपको एलोवेरा का इस्तेमाल करना है। देखिए, एलोवेरा में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन और एंजाइम पाए जाते हैं, और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। देखिए, इसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और जो अदर न्यूट्रिशन है वो भी भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे मानव शरीर के लिए एलोवेरा का जो जेल है बहुत ही फायदेमंद है, उसी तरह से हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उस प्लांट को दोस्तों हेल्दी बनाए रखने के लिए और हर तरह की बीमारी से बचाने के लिए इसका भरपूर मात्रा में गार्डनिंग में इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं, आपको दोस्तों एक लीफ ले लेना है और उसे काट कर आपको बारीक कर लेना है। और इसी में जो हम दूसरी चीज़ लेने वाले हैं वह दोस्तों लहसुन। लहसुन में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में औषधीय गुण पाए जाते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें सल्फर की जो मात्रा है वो भी बहुत अधिक होती है। तो अगर हम इसे हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर अगर हम छिड़काव करते हैं या दोस्तों गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की मिट्टी में कोई भी दोस्तों हार्मफुल बैक्टीरिया है तो उसे ख़त्म करने में ये हेल्प करता है। देखिए, जो पेस्टिसाइड प्लस फंगिसाइड जो हम बनाने वाले हैं इसके लिए आपको एक एलोवेरा का लीफ ले लेना है और इसे बारीक टुकड़ों में आपको काट लेना है, और इसी के साथ साथ आपको लहसुन को आधा ले लेना है और इसे भी आपको बारीक टुकड़ों में काट लेना है। देखिए, लहसुन के जो छिलके हैं उसे हमें निकालना नहीं है, छिलकों के साथ हमें अच्छी तरह से इसे मिक्सर में पीस लेना है। और इसे दोस्तों आपको अच्छी तरह से पीसने के लिए आप आधा से 1 लीटर इसमें पानी यूज कर सकते हैं। और देखिए, जो आज आप पेस्टिसाइड प्लस फंगिसाइड बनाने वाले हैं अगर आप चाहते हैं तो इसमें हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया के गुण होते हैं। पर देखिए, मेरे गार्डन में जो प्लांट है इसमें मैंने दोस्तों एक हफ्ते पहले ही हल्दी का इस्तेमाल किया है, इसके लिए मैं इसका अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और देखिए, इसे अच्छी तरह से पीसने के बाद आपको तुरंत इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें फॉर्मेशन के लिए आपको कम से कम 2 दिन के लिए यानी 48 घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। पर देखिए, जो फॉर्मेशन की क्रिया के लिए आप जिस डिब्बे का इस्तेमाल करेंगे आपको ध्यान रखना है वो एयर पैक होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें हम लोगों ने एलोवेरा और लहसुन का इस्तेमाल किया है। हवा के संपर्क में आता है इसका जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और लहसुन में दोस्तों एक अलग सी स्मेल होती है, वो दोस्तों जैसे हवा के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे कोई स्वेल है वो कम हो जाती है, यानी उसका जो पावर है वो कम हो जाता है। इसके लिए आपको एयर पैक डिब्बे का इस्तेमाल करना है।
और इसे पैक करके आपको 48 घंटे के लिए आपको छाव की जगह में रख देना है। अभी आप देख सकते हैं 48 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमारा पेस्टिसाइड है प्लस फंगीसाइड है वो अच्छी तरह से अभी बन चुका होगा। पर देखिए इसे यूज करने से पहले एक बार वापस आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको कपड़े के सहारे से या छाननी से छान लेना है। देखिए इसमें हम लोग कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जब हम लोगों ने इसे फार्मेसिन के लिए छोड़ा था तो ऑलरेडी 1 लीटर पानी में हम लोगों ने 2 लीटर इसमें पानी ऐड किया था। यानी 1 लीटर आप लोग पेस्टिसाइड बनाते हैं तो इसमें कम से कम आपको 2 लीटर पानी ऐड करना है। अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं ऐड किया है तो जब ये बन जाता है यानी 2 दिन के बाद इसमें पानी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें दोस्तों स्टार्टिंग में 2 लीटर पानी ऐड किया है। तो देखिए ये जो भी पेस्टिसाइड बना है इसे हम दो तरह से इस्तेमाल करेंगे। एक हमारे जो प्लांट है उसके पत्तों के बीच स्प्रे करेंगे और इसी के साथ साथ जो हमारे गमले की मिट्टी है उसे हेल्दी बनाए रखने के लिए हम मिट्टी में भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए आज जो हम लोगों ने पेस्टिसाइड प्लस फंगीसाइड बनाया है इसे आपको स्टोर करके नहीं रखना है क्योंकि इसमें हम लोगों ने अलवेरा और लहसुन का इस्तेमाल किया है और इसका जो जेल है जैसे हवा के संपर्क में आता है जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपके घर में जितने प्लांट है उसके हिसाब से आपको इसका लिक्विड बनाना है और तुरंत ही यानी 2 दिन जैसे कंप्लीट होते हैं तो आपको दोस्तों इसे अच्छी तरह छान कर आपके घर में जो भी प्लांट है उसमें यूज कर लेना है। इसे स्टोर करके आपको नहीं रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो हम लोगों ने जो पेस्टिसाइड प्लस फंगीसाइड बनाया है इसे हर 15-20 दिन में आपके घर में जो भी प्लांट है उसे गमले की मिट्टी में आपको यूज करना है ताकि जो गमले की मिट्टी है उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया दोस्तों पनप ना सके और आपका जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो हमेशा हेल्दी बने रहे। देखिए इसमें जो हम लोगों ने एलोवेरा का इस्तेमाल किया है ये रूट्स के विकास के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। यानी आपका जो प्लांट है उसके रूट्स को दोस्तों विकसित करने के लिए जो एलोवेरा का जेल है बहुत ही फायदेमंद है। यानी 2 टाइप से हमारे प्लांट को इसका फायदा मिलेगा। एक तो दोस्तों हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है तो उसे भी खत्म करेगा और इसी के साथ साथ जो हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो रूट्स को भी दोस्तों विकसित करने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। तो देखिए इसे आपको यूज करने से पहले जो गमले की मिट्टी है आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है और इसके बाद आपके जो गमले हैं वो गमले के हिसाब से आपको हर गमले में 150 से 200 ml का इस्तेमाल करना है। देखिए हम लोगों ने एलोवेरा और लहसुन का इस्तेमाल करके जो लिक्विड बनाया है ये फंगीसाइड के साथ साथ बहुत ही अच्छा दोस्तों पेस्टिसाइड के रूप में भी काम करता है। तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर इस पर किसी बीमारी का अटैक हो चुका है तो एक बार इसका स्प्रे करके देखें आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और मेन बात तो इसमें हम लोगों ने लहसुन का इस्तेमाल किया है तो लहसुन में एक अलग सी स्मेल होती है, इसके कारण अगर इसमें कोई भी कीड़े या चिट्टियाँ हैं तो वो तुरंत भाग जाते हैं। और देखिए इसमें हम लोगों ने एलोवेरा का इस्तेमाल किया है, एलोवेरा में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। अगर हम इसका स्प्रे बनाकर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो पत्तों का दोस्तों जो कलर है वो काफ़ी डार्क हो जाता है क्योंकि हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पर हम एलोवेरा का जेल बनाकर उसका स्प्रे करते हैं तो पत्तों में जो क्लोरोफिल की मात्रा है उसे बढ़ाने में हेल्प करता है। और इसी के साथ साथ अगर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है तो आपका जो प्लांट है वो अपने हरे भरे हो जाते हैं क्योंकि जो पत्तों का हरा कलर है वो दोस्तों क्लोरोफिल की वजह से ही आता है। तो देखिए दोस्तों जो पेस्टिसाइड मैंने बनाया है हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें 3 से 4 प्रकार से हमारे प्लांट को मदद करता है। देखिए अगर आप गार्डनिंग करते हैं और आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर अगर किसी बीमारी का अटैक होता है उस टाइम अगर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो मेरा मानना यही कि दोस्तों अगर जो पेस्टिसाइड मैंने आपको बनाकर दिखाया है इसको आप हर 15-20 दिन में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके गार्डन में जो प्लांट है उस पर कभी भी किसी बीमारी का अटैक नहीं होगा और आपका जो प्लांट है वो हेल्दी तो रहेगा ही, इसी के साथ साथ वो साल भर हरा भरा और कलियर फूलों से भी भरा रहेगा। तो मेरा मानना है कि दोस्तों एक बार इसे बनाकर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उस प्लांट में यूज करके देखिए आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।